जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे मिलेगा आप सभी सही हो गए और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और ये जो काम है काफ़ी अच्छा काम है, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी बेहतरीन लगने वाली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर किसी भी काम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम के लिए या उसी कोई सी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छे से ले लगने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और साथ ही साथ ये वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी वजह से किसी भी भाई बंधु को जॉब मिल सके और वो अपनी लाइफ सेट कर सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब से है। काफ़ी सारी कैटेगरी है, मैं पूरी आपको बताने वाला हूँ और इसमें जो आपकी सैलरी है वो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ बहुत कम ही कम बंदे चाहिए। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो देर ना कीजिएगा, ये वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, उसके बाद में ऑफिस आएँ और अप्लाई करें, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ करा के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें ज़रूरत है वो है ट्रेलर ड्राइवर की, ठीक है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, आपको गाड़ी चलाना आती है तो आप इसमें जा सकते हैं। आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 1700 रियाल प्लस ट्रिप वगैरह रहेगी। इसमें सिर्फ 10 बंदे चाहिए। ड्यूटी जो है आपका जब सिलेक्शन रहेगा, ये जो रहेगा सिलेक्शन होने पर आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपकी ड्यूटी कितनी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम ड्यूटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 घंटे की रहेगी, ना तो 8-9 घंटे की रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद बिल्डोज़र ऑपरेटर, इसमें भी हमें सिर्फ ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए, सिर्फ 4 ही बंदे चाहिए। और इसमें जो ड्यूटी है आपकी वो 8 घंटे की है और इसमें जो आपकी सैलरी लगने वाली है 1700 रियाल लगने वाली है। और इसमें भी जो आपके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है, किसी भी कैटेगरी के बारे में अगर आप जाएँ तो उसमें लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में हमें चाहिए वो गार्डन वाला बंदा चाहिए, इसमें भी आपका जो सैलरी लगेगा वो भी 1700 रहेगा प्लस ओटी रहेगा। और इसमें 2 बंदे चाहिए, 10 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। और उसके बाद में चाहिए शॉवल वाला बंदा चाहिए हमें, और इसमें भी आपकी जो सैलरी है वो 1500 है प्लस ओटी है, और सिर्फ 2 बंदे इसमें हमें चाहिए। उसके बाद में जो चाहिए डीजल हैवी मैकेनिक चाहिए, और इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है वो 1600 से 2000 के बीच में होने वाली है। और इसमें सिर्फ ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बंदे चाहिए। ड्यूटी की बात करें तो 10 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। जितनी भी, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, इस पर आपको मैं सारी शो कर रहा हूँ। अगर इसमें से आपके पास में किसी का भी लाइसेंस है तो आप इसमें जा सकते हैं, और ये काम आपको डीजल मैकेनिक का आता है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि वो सारी चीज़ आपको जो नॉर्मली होती है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। और ओटी के ऊपर, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ओटी कितना प्रोवाइड करेगी, कहाँ पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी। अगर आप इसमें से किसी में भी जाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अदर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये दिल्ली से आपका काम होने वाला है। अगर आप दिल्ली रहते हैं, कोई दूर रहते हैं तो आप दिल्ली आकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है आपके पास में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और यही प्रोफाइल से जो मैंने आपको बताया, कोई भी मैच करके आप जॉब पे तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। सैलरी काफ़ी अच्छी है, प्लस ओटी वगैरह बेनिफिट्स जो हैं आपको वो अदर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों का शेयर ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी भाई बंधु जो अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन आजकल इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा धोखेबाजी चल रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। और कहीं भी अप्लाई करें, आपके लिए इंक्वायरी करना ज़रूरी है। पहले किसी भी ऑफिस से अप्लाई करें तो आप पहले इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद में अप्लाई कीजिए। क्योंकि बहुत सारे मेल वगैरह मेरे पास में भी आते हैं कि सर हमने वहाँ पर इतना पैसा किया, इतना पैसा दिया और वहाँ पर हमारा काम ऐसा फंसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो भाई पैसा तो कहीं भी दे सकते हो, लेकिन मेन चीज़ है काम होना आपका। अगर काम आपका होता है, पैसा ज़्यादा जाए कोई परेशानी नहीं है, काम हो जाए जेन्युइन तरीके से तो कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है मैं आप लोगों तक,
इसलिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप लोगों के साथ में जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं हो पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें और आपके साथ में जो भी चीज़ है वो आप अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकें और अच्छे से अपना जो परिवार चला सकें। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर कहीं किसी भी के साथ गलत होता है तो आप मेरे मेल पर कॉन्टैक्ट करें और मुझे प्रूफ दें। हो सकता है मैं भी देखो सोचूंगा वीडियो बनाने के बारे में भाई कि इस बंदे के साथ मैं गलत हुआ, कहाँ से गलत हुआ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।